नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूँ सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर जमशेदपुर में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े और मौत का सिलसिला जारी है। आलम यह है कि धीरे धीरे कोरोना अब सरकारी कर्मियों के साथ पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को भी शिकंजे में ले रहा है। बीते शनिवार को जिला परिवहन अधिकारी और 3 अन्य कर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद परिवहन कार्यालय को सील कर दिया गया था। साथ ही जिला पुलिस मुख्यालय और जिला मुख्यालय को भी 3 दिनों के लिए सील करते हुए सैनिटाइज कराया गया था। इधर 72 घंटे बाद मंगलवार को जिला मुख्यालय खुलने के बाद जिले के उपायुक्त फिर से कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय परिसर में प्रवेश करने से पहले कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उपायुक्त ने खुद को सैनिटाइज किया और मौजूद कर्मियों को भी खुद को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया। वैसे इस दौरान उपायुक्त ने मीडिया से दूरी बनाए रखा। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मानगो के दुकानदारों ने स्वतः अपने दुकानों को बंद रखा और मानगो नगर निगम के द्वारा पूरे दुकानों को सैनिटाइज कराया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों मानगो नगर निगम के कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, जिसको देखते हुए दुकानदारों ने आज अपनी दुकान बंद रखने का निर्णय लिया है। मानगो के दुकानदारों ने एक उदाहरण अन्य क्षेत्रों के दुकानदारों के सामने पेश किया है। यहाँ पे मानगो बाजार में 250 दुकानें कुल मिला के, जब भी दुकानें खुलते हैं क्राउड हो जाता है, भीड़ भाड़ होता है। इसमें अभी तक 5 कुल मिला के कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके वजह से हम लोग खुद सोचे हैं कि मंगलवार को सैनिटाइजेशन हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर हफ्ता हर मंगलवार को हो। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में खेलने के दौरान टाटा कंपनी के जर्जर मकान गिरने से 16 वर्षीय करीमिया स्कूल के छात्र की दबकर मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह की है। उधर घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। कदमा शास्त्री नगर के रहने वाले 16 वर्षीय छात्र खेलने के दौरान टाटा कंपनी के जर्जर पुराने मकान की छत गिरने से घटनास्थल पर ही दम तोड़ दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कदमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं स्थानीय लोगों में टाटा स्टील के खिलाफ आक्रोश देखा गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुबह 5-6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, इसी बीच गेंद टाटा कंपनी के खंडहर हो चुके घर में चली गई, जिसे निकालने जैसे ही छात्र घुसा कि अचानक मकान का पिलर गिर गया, जिसमें बच्चा दब गया। हालांकि जब तक स्थानीय लोग रेस्क्यू कर बच्चे को निकालते, इससे पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि टाटा स्टील को खंडहर हो चुके मकानों को गिराए जाने को लेकर कई बार आवेदन दिया गया है, बावजूद इसके कंपनी प्रबंधन द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे आज इतनी बड़ी घटना घट गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। क्वार्टर जर्जर हो चुका था और हमने इसका सूचना भी दिया, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज इतना बड़ी घटना हो चुकी यहाँ पर ही, और इसके जिम्मेवार सारा टाटा कंपनी है। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र के फुटबॉल मैदान शिव मंदिर के पास पुलिस गश्ती के दौरान पुलिस खाली जीप पर अपराधियों ने हमला कर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। वही घटना के बाद अपराधी भागने में सफल रहे हैं। इधर घटना के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। मामला उलीडी थाना क्षेत्र के फुटबॉल मैदान शिव मंदिर के पास की बताई जा रही है, जहां उलीडी थाना पुलिस नियमित गश्ती पर शिव मंदिर के पास पहुंच किसी मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी दौरान अपराधकर्मी सोनू चड्ढा और गौरव दास ने खाली वैन पर तलवार से हमला कर दिया। वहीं जब तक पुलिस अपराधियों को पकड़ पाती, इससे पहले ही अपराधी भागने में सफल रहे। जानकारी देते हुए पटमदा रेंज के DSP विजय महतो ने बताया कि बस्ती में फोर्स तैनात कर दी गई है और अपराधियों की तलाश जारी है। एक नाम आ रहा है सोनू शंकुर चड्डे नाम का क्रिमिनल है, जिसने आके शीशा पे वार किया और भाग गया। अभी तक तो पता चल रहा है कि हाथ में तलवार लेके था और शीशा पे आगे के शीशा को मार के भाग गया है। और भी लड़के थे नाम क्लियर नहीं। नहीं, रूटीन जो गश्ती चेकिंग होता है ना, उसी में ड्यूटी में गया हुआ तो पूछताछ चल रही थी लोगों। धनबाद लोकसभा के पूर्व सांसद AK राय की पहली पुण्यतिथि आज मनाई गई। आपको बता दें कि कोयलांचल धनबाद में AK राय को मजदूरों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। लंबी बीमारी के बाद आज ही के दिन धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ था।
एके राय ने अपना पूरा जीवन सादा व्यतीत किया और झारखंड आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सिंदरी विधानसभा से विधायक भी रहे और धनबाद लोकसभा से सांसद चुने गए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पेंशन के तौर पर एक रुपया भी सरकार से नहीं लिया। इन्होंने अपना पेंशन राहत कोष में दान कर दिया। आम लोगों के साथ साथ धनबाद में राजनीति कर रहे लोगों ने भी इन्हें अपना गुरु मान लिया था। लोगों का मानना है कि एके राय जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, चाहे वह किसी भी दल के नेता हो। किसी नेता से इनका कोई बैर नहीं था और सभी दल के नेता इन्हें अपना आदर्श मानते थे। उनके बताए के मार्गों को आगे ले जाने के लिए उनका अधूरा संघर्ष, अधूरी लड़ाई, अधूरापन, जो काम वो छोड़ के गए हैं उसको शपथ लेने के लिए आज पूरी झारखंड की जनता आज संकल्प ले रही है कि रायदा का जो विचार था, शोषण मुक्त समाज, भय मुक्त समाज, माफिया मुक्त समाज और एक नई भारत निर्माण के दिशा में समाजवादी देश के रूप में जो उनका एक विचार था कि देश बने, हम उन्हीं संकल्पों को आज दोहराने आए हैं और इसको लेके हम आगे बढ़े। कोरोना काल में मौत का तांडव इतना भयानक रूप ले चुका है कि अब परिवार के परिवार खत्म होने लगे हैं। धनबाद के कतरास के एक परिवार पर कोरोना वायरस ने इतना बड़ा अटैक किया कि चंद दिनों के अंदर मां समेत 5 बेटों की मौत हो गई। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। घर में अंतिम संस्कार करने वाले भी नहीं बचे हैं। परिवार के महिला सदस्यों का हाल ऐसा है कि एक की मौत के आंसू सूखते भी नहीं कि दूसरी मौत की खबर आ जाती है। कतरास के जिस मोहल्ले में इस परिवार का घर है, उसके आसपास के घर धीरे धीरे करके खाली हो रहे हैं। चौधरी परिवार के पड़ोसी तक दिलासा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दूर दूर के रिश्तेदार चाहकर भी ना तो अंतिम संस्कार में शामिल हो पा रहे हैं और ना ही किसी तरह की मदद पहुँचा सक रहे हैं। चंद दिनों पहले ही इस परिवार में शादी समारोह था, जिसके बाद 88 साल की बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हुई। जांच किया गया तो पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है। जब तक डॉक्टर इस बुजुर्ग महिला की जान बचा पाते, तब तक बड़े बेटे की तबीयत बिगड़ी और टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया। बेटे का टेस्ट रिपोर्ट आता इसके पहले माँ की मौत हो गई। 88 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत बोकारो के अस्पताल में हुई। बेटे को रिम्स के कोविड-19 में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। उधर दूसरे बेटे की मौत बोकारो के सेंट्रल हॉस्पिटल में हुई। तब तक तीसरे बेटे की भी तबीयत बिगड़ी और उसकी भी क्वारंटाइन सेंटर में इलाज से पहले ही मौत हो गई। अपनी मां और 3 भाइयों को खो चुके चौथे भाई की मौत जमशेदपुर के TMH में इलाज के दौरान हो गई। अभी घर वालों के आंसू बहने रुके भी नहीं थे कि 5वें बेटे की भी तबीयत अचानक बिगड़ गई। 5वें बेटे का इलाज भी रांची के रिम्स के कोविड-19 में चल रहा था, लेकिन डॉक्टर उसे बचा ना सके। 15 दिनों के अंदर एक ही परिवार के मां और 5 बेटों की मौत की खबर से पूरा झारखंड सदमे में है। राजनगर प्रखंड के बड़ा कोना बेड़ा में नागपुरी एल्बम की शूटिंग हुई। इस एल्बम की खासियत है कि इसके प्रोड्यूसर, गायक और राइटर गोपाल महतोई हैं, जो कि एक पेंटर का काम भी करते हैं। इन्होंने इससे पहले बांग्ला संगीत एल्बम भी रिलीज़ किया है, जिसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। अपना एल्बम गोपाल यूट्यूब के माध्यम से रिलीज़ करते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि यह नागपुरी एल्बम ज़बरदस्त हिट होगी और मार्केट में धूम मचाएगी। नमस्कार, मैं गोपाल महतो, मैं बड़ा राजनगर से बिलोंग करता हूँ और मैं एक सिंगर हूँ और आज मेरा नागपुरी गाना का शूटिंग चल रहा है। ये मेरा नागपुर में फर्स्ट गाना है। इससे पहले मैंने बांग्ला झूमर में कई सारे हिट गाने दिए हैं, जो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आशा करता हूँ इसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये नागपुरी गाना मेरा फर्स्ट गाना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोब न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।